हरहर नेटवर्क मार्केटिंग, हरहर नेटवर्क मार्केटिंग, हरहर नेटवर्क मार्केटिंग। दादाजी आपको भी नौकरी का कभी मिला ऑफर? जी बाबू बहुत बार मिला, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। नहीं कर, नहीं कर पाए। हाँ, आज बच्चों को कहते हैं कि बेटा हमको नौकरी मिले थे, हम नहीं किए। वह भी कहने का चांस नहीं मिलता, नहीं मिलता था। वह भी बच्चों को नहीं कह पाते हैं कि नौकरी का ऑफर मिला, हम नहीं कर पाए। अच्छा, ये बात क्यों नहीं कहते हैं? अरे वक्त निकल जाने के बाद बच्चों को कहोगे तो बच्चों की दर्द होगी कि मेरा बाप मूर्ख था, कमार था। अरे बाप रे, ये बोल देंगे? अरे भाई जरूर बच्चे बोल देंगे, बोल देंगे। आज नौकरी की क्या हालत है? लोग पैसा देने भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज नौकरी की समस्या तो है ना, इधर उधर के लोग मार्केट में ठोकर खा रहे हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। सभी साथियों को नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स आगा मोटिवेशनल स्पीकर। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में। इसी मऊ जिला में एक गांव है अब्बोपुर। आज इसी अब्बोपुर की पावन धारा पे मौजूद हूँ और आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपको मिलाने वाला हूँ जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को जान और समझ रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, लंबी सी तादाद में बहुत सारी माताएं, बहनें और पुरुष, भाई बहन सब इकट्ठा हैं। क्यों इकट्ठा है पता है? नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की ज़िंदगी बनाती है? क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है? आज मैं बातचीत करने वाला हूं अभय कुमार से। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को जान पाए। पहले लोगों की जो सोच थी कि फंसने फंसाने का धंधा है, आज आपने ये हुजूम लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि सर जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसको लोग लेकर जो है कि बहुत निगेटिव रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सिस्टम हम लोग को मिला है, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं मैं गाड़ी अचीवमेंट भी किया हूँ, जो कि आज भैया हमारे साथ में काम करते हैं और शॉपी भी ओपन किए हैं, तो आज लोगों को पता चला है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। और सर मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाहूँगा कि लोग जॉब करते हैं और क्या है कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ पे जो भी इंसान आता है काम करता है वो अपने हिसाब से करता है। यहाँ पे 2 घंटा दे सकता है, 4 घंटा दे सकता है, अपने हिसाब से यहाँ पे इनकम कर सकता है, अपने हिसाब से यहाँ पे वर्क कर सकता है। अब बाहर में क्या होता है कि सर जी हम लोग अगर 8 घंटा वहाँ पे ड्यूटी लगा है तो हम लोग को 8 घंटा करना ही पड़ेगा। अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए छुट्टी मांगना पड़ता है। अगर बॉस के हम लोग अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारा टाइमिंग जो है हमारा बॉस फिक्स करता है, पैसा जो हमारा बॉस फिक्स करता है। अगर हमें कहीं भी जाना है 5 मिनट के लिए, चाय के लिए जाना है, नाश्ते के लिए, वो भी हमारा बॉस बताता है कि कब हमको जाना है। और यहाँ पे सर हम अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस सर फुल टाइम का है। क्या बात है मैम, आज आपने क्या सीखा? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण भारती है, मोहम्मदाबाद गाना से बिलोंग करती हूँ। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा लगता है। आज आपने क्या सीखा? सचमुच में यहाँ से कुछ बड़ा किया जा सकता है? हाँ सर, सर यहाँ कुछ प्रोजेक्ट हैं इस कंपनी का और उसे इस्तेमाल करने से शरीर। आज आप इस मीटिंग में पहली बार आई हैं? हाँ सर, आज मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के आज इस मीटिंग में या फिर ये जो सभा लगी है मंडली, इसमें आप पहली बार आई हैं? कैसा लग रहा है आपको? सचमुच में अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। लेकिन लोग तो बताते हैं फंसने फंसाने का काम है ये। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं। कहीं आपको किसी ने कहा कि एक का डबल हम कर रहे हैं? नहीं सर। भाई साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, आप आज आगे आ जाएं थोड़ा सा। लगा कभी इसके पहले तो आपको कभी सुनाई दिया होगा कि एक का डबल किया जाता है, फंसाने का धंधा है? आपको लगा पहली बार आज आप मीटिंग में आए, आपको लगा कि ये फंसे फंसाने का धंधा है? जी नहीं। भैया किसी को इसमें लगा क्या कि फंसे फंसाने का धंधा है? नहीं सर। किसी को लगा? नहीं सर। क्या सचमुच? और लोगों से मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा इधर कुछ बहने हैं, आप लोग को बहने कुछ लगा कि ये फंसे फंसाने का काम है? सर कुछ नहीं लगा। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। लगा कि कुछ बड़ा किया जा सकता है? पीछे बहुत सारे भाई हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आ जाएं। कौन आएगा पीछे से? आ जाइए सर, स्वागत है आपका। पहली बार ग्राउंड लेवल पे उतर करके ये जितने लोग हैं सारे लोग नए हैं, अभी इनकी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोई अभी बिजनेस नहीं कर रहा, सिर्फ आज पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग जानने का इनको मौका मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या। सर सामने आ जाएं, क्या नाम है आपका? सर लाल बहादुर नाम है। क्या करते हैं सर वैसे आप? नेटवर्क में भी बिजनेस करता हूं। आप बिजनेस करते हैं सर? हाँ। ये बिजनेस कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। कुछ आपको लग रहा कि जो काम पहले आज तक हमने अपनी जिंदगी में किया, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आप क्या करते थे? घर पे बैठा था, पढ़ता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते थे जी। अब आपको लग रहा कुछ उम्मीदें जगी हैं, कुछ बड़ा किया जा सकता है? बड़ा किया जा सकता है सर। पहली बार आप मीटिंग में आए हैं? नहीं सर, हम मीटिंग करते हैं। मीटिंग करते हैं आप? यस। तो यहाँ से उम्मीदें हैं कुछ? सर यहाँ से
प्रोडक्ट खरीद करके हम दूसरे को भी सहयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि है हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप एक दूसरे का दो महीने में एक दो गो जोड़ेंगे तो आपको 500 रुपया मिल जाएगा। क्या बात है, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे आप जो भी पैसा देंगे उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ यस। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 आप दिए उसके बाद हमने बोला एक महीने बाद आपको 20,000 मिलेगा? नहीं सर। लगा ऐसा कुछ कहीं? नहीं सर। किसी के साथ ऐसा हुआ भैया? नहीं हुआ ना। आप देख रहे हैं, आइए सर मैं बातचीत करना चाहूँगा। अभी यहाँ कुछ लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज ये मीटिंग का समय बन पाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गांव में जागरूकता अभियान चलाया, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर स्वास्थ्य अभियान चलाया, कैसे लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ के साथ साथ लोग पैसा कमाएं। आपने अपनी शॉपी भी डाल रखी है, कैसा आपको आज लगता है, महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? एक समय था कि जब आप अपने भाई को ही मना करते थे, अभय कुमार जी को, कि कौन सा धंधा करना शुरू कर दिया, आज आप खुद लग गए इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है सर बिजनेस करके, क्योंकि इसमें हम लोग दूसरों को भलाई भी करते हैं, लोग ठीक होते हैं, पैसा भी मिलता है, बेरोजगारी भी खत्म होती है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। कई सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई है, स्वास्थ्य भी मिलता है इसमें। बहुत सारे लोग गठिया बीपी शुगर से परेशान होंगे, है ना, बहुत सारी माताएं बहनें जो कमर दर्द है, शरीर में दर्द है, जकड़न है, किसी को थायराइड है, किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, सारी समस्याओं का समाधान होता है ना? यस सर। लोग स्वस्थ होते हैं। जी जी। साथ में आज यहाँ बहुत सारे किसान लोग भी हैं जो खेतों में खाद, कितने लोग हैं जो खेतों में खाद यूज करते हैं? हाथ थोड़ा ऊपर करिए। लगभग सभी यूज करते हैं, है ना। और हम सब हमारे बाप दादा कहते हैं कि पहले जैसे शरीर में अब ताकत नहीं रह गई, कहते हैं ना। उसके पीछे की क्या वजह है? केवल कि हम जो फर्टिलाइजर खाद दिन पे दिन यूज कर रहे हैं ना। तो अब अपने पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं सर, अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट आपको बताए होंगे कि हमारे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं जो एक जैविक खाद की तरह काम करते हैं, ग्लूकोज का काम करते हैं और आपको स्वस्थ अच्छे पौष्टिक अनाज देते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि हर शर्मा भी सर आ जाए यहाँ पे, थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, आपने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इनका हुजूम लगाया है। आज का कैसा सेशन रहा लोगों का? सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, लोगों ने जाना और माना कि सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बनाती है। यस सर, सचमुच। किसी ने आपसे कहा नहीं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है? नहीं सर, क्योंकि लोग बोल देते हैं ये बात। यस सर, अक्सर लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोले, लेकिन धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग जागरूकता हो रहे हैं सर। जागरूक हो रहे हैं? यस सर। लोगों में अवेयरनेस आ रही है? यस सर। अभय सर आइए, आपसे भी कुछ बातचीत करनी है, इतनी बड़ी आपने मेहनत करके पूरा ये हुजूम लगाया। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उधर भी कैमरा घुमा दें ताकि देख लें, बहुत सारी माताएं बहनें हैं और आज बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वस्थ जीवन के साथ साथ आज अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो साथियों आज मैं बातचीत करूँगा आपसे कि आपने ये मिशन जो गाँव आप लेकर के निकले हैं अपने बिजनेस को, क्या स्वार्थ है आपका इसके पीछे? सर इसमें मेरा स्वार्थ है कि मैं देखा गांव में लोग बीमार हैं और बेरोजगार भी बैठे हैं, चाहे जितने भी पढ़ाइयाँ कर ले रहे हैं कहीं ना कहीं जॉब के पीछे धक्का खा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा कि चलते हैं आज लोगों के घर से, बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर करते हैं। जी सर। और आप तो 1.5 महीने के अंदर जबरदस्त बाइक अचीव कर ली, अच्छा खासा पैसा, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पूरे हिंदुस्तान में लोग आज आपको जानने और मानने लगे हैं। यस सर। तो क्या आप चाहते हैं यही इज्जत, यही सम्मान बाकी लोगों को दिलाना चाहते हैं? यस सर, बाकी लोग को भी दिलाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि बाकी लोग भी जो घर पे बेरोजगार बैठे हैं वो आए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बिजनेस एक दूसरे का सपोर्ट का होता है। जो हम लोग बाहर में काम करते हैं वहाँ पे लोग अकेले काम करता है, क्योंकि जो अकेले व्यक्ति काम करता है बाहर में, जो लोग काम करते हैं अकेले में, उनको बीमार पड़ जाए या घर में कोई समस्या हो जाए, चाहे कोई भी, वहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ से सपोर्ट से आगे लोग बढ़ते हैं। क्या बात है। तो कोई इसमें ऐसे भी लोग हैं जो किसी रोग से ग्रसित रहे हों, कभी आज स्वस्थ हो रहे हों, या फिर अभी हाल ही में पहली बार इस गांव में, अब्बूपुर गांव में पहली बार मीटिंग हो रही है? यस सर, यहाँ पे दूसरी बार मीटिंग हो रही है। दूसरी बार मीटिंग हो रही है। यस सर। तो पहले से संख्या बढ़ी है कि कम? यस सर, पहले से संख्या बहुत बढ़ी है, दोगुना तिगुना बढ़ गया संख्या। तो जो माँ बाप है अपने बच्चों को रोजगार की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? यस सर, ले जा रहे हैं। यस भाई, लोग जानना चाहते हैं किस वजह से आपकी बाइक आ गई, आपने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया, कोई कारण तो होगा ही? यस, कहीं ना कहीं हम लोग मेहनत किए हैं इसको, हमने भी स्टार्टअप किया था तो हमारे घर वाले भी मना करते थे, तो कहीं ना कहीं हम इसको जानकारी लिए, इसके बारे में समझे, जाने, उसके बाद में हमने स्टार्टअप किया। आज कहीं ना कहीं आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं, बाकी अगल बगल भी सपोर्ट करते हैं, बाकी यहीं से मेहनत करके आज हमने बाइक भी अचीवमेंट किया है। क्या बात है।
एक एक देश के सेवक से भी आपको मुलाकात कराना चाहूँगा, जिन्होंने ये तादाद ये मुहिम छेड़ा है कि घर घर जाना है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, जिसको बोलता हूँ हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। क्या कहते हैं? हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग बोलेंगे यस सर। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, आप लोग क्या बात है, शर्मा रहे हैं क्या? तो हाथ उठेगा एक बार ऊपर, भारत माता की भी जयकारी लगानी है, लगाएंगे, हम इसी देश के वासी हैं ना। चलिए, भारत माता जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। अब हम बोलेंगे हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, आप सब बोलेंगे घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलेंगे? घर घर नेटवर्क बोलेंगे ना। यस सर। चलिए बहनें, आप लोग भी आगे आ जाइए। चलिए, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग घर घर नेटवर्क मार्केटिंग। तो भैया बिगुल बज चुका है पूरे हिंदुस्तान में, एक एक घर जाना है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रसाद को लेकर, और घर से गरीबी और बीमारी दोनों दूर करना है। आइए एक देश के सेवक से मुलाकात कराता हूं, मिस्टर रविंद्र कुमार सर से। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया एक बार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बड़ा मिशन आपने लिया है, देश की तो सेवा आप कर ही रहे हैं, साथ में आज आप मैदान में उतर चुके हैं पूरी तरह समाज को बदलने के लिए। आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी तादाद में सारे लोग लगे हैं, इनके जीवन से बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर करने का आपने फैसला लिया है। अभी सर देखिए, हमारा जो काम चल रहा है तो आपको तो पहले से मालूम होगा कि हम खेल रहे थे नेशनल लेवल पे, अलग अलग स्टेट में हमारी टीमें काम करती है इस सिस्टम पे। तो हम सोचे कि सर ये हमारा जो इधर का जर्नी हुआ स्टार्ट मतलब 2 मंथ से, ज़्यादातर 2 मंथ, तो मतलब हमारी ये प्लानिंग थी कि जब हम बाहर रहते हैं या कहीं भी रहे, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ पर हम गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। कि अब जहाँ जाइए, यहाँ तक किले से लद्दाख तक जाइए, कहीं तक जाइए, मतलब कन्या से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर कहीं भी जाइए, आपको कहाँ मिलेंगे? यूपी बिहार झारखंड के लोग जो मजदूरी करने हैं हर जगह हैं, हर जगह मिलते हैं। कारण क्या है? आप कभी पंजाबी को या किसी बाहरी को देखें जो यहाँ पे काम करने आपके खेत में आया है? नहीं आया। यहाँ के लोग यहाँ तक मैं देखा हूँ कि वहाँ पे जाके छोटे छोटे काम मतलब कर रहे हैं। क्या है वो? अगर चाहे तो वो इनकम यहाँ पे इस सिस्टम से बैठ के अपने घर पे अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और एक बड़ा इनकम इस सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं सर। तो हमारी प्लानिंग ये हुई कि हम थोड़ा सा अपने जो लोकल के लोग हैं पूर्वांचल पे फोकस करें, उसको देखते हुए हम सर यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ पे मतलब प्लानिंग की कि थोड़ा इधर हमारा काम किया जाए। इसलिए कि हमारा सर जैसे महाराष्ट्र हो गया, बड़े बड़े स्टेटों में हमारा काम चल रहा है, तो हम सोचे कि फिर ये लोग मतलब मिले तो मतलब आने वाले टाइम पर हमारी यही प्लानिंग है कि हर एक घर तक हमारा सिस्टम पहुँचे और एक हर एक घर समृद्ध और सुख रहे। सर के लिए जोरदार तालियां भैया बजा दीजिए, कितना पवित्र और कितना नेक काम कर रहे हैं सर। इसके लिए सर को जितना कहा जाए उतना ही कम है, एक बार सर की जयकारी लगाई जाए। यस सर। क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम सीमा पे है कि नहीं है? यस सर। कितने लोग इसमें हैं जो पीछे ग्रेजुएशन किए हैं, बीए कितने लोग किए हैं? और हाथ ऊपर करिए, आप जो लोग हाथ ऊपर किए हैं क्या आप रोजगार पाए हैं? मिला है? नहीं मिला है। रोजगार चाहिए? थोड़ा सा हम आप लोग से बात करना चाहेंगे जो ग्रेजुएशन किए, प्लीज आ जाएं सामने, आप बहुत जनरल से बातचीत होंगे। आइए, आप लोग तो देश के कर्णधार हैं, यही नौजवान तो देश के कर्णधार हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो बीए किए हैं, अभी बेरोजगार हैं, उन्हीं से तो बातचीत करना चाहता हूँ। आइए सर। सर क्या नाम है आपका? मिस्टर सुग्रीव चौहान। मिस्टर सुग्रीव चौहान जी। सर आपने ग्रेजुएशन किया है, नौकरी नहीं मिली, अभी आप क्या कर रहे हैं? दुकान कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आज आप पहली बार समझे या इसके पहले भी जानते थे? पहली बार। कैसा लगा आपको? लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा किया जा सकता है? लग रहा है। एक बार अपने दुकान को चलाते हुए घर परिवार के साथ रहते हुए कुछ बड़ा किया जा सकता है? जी सर। अगर ये भैया की बाइक आई है, इन्होंने पैसा कमाया, तो आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? और कहाँ गए भैया बाकी लोग? आ जाइए सर। सर क्या नाम है? इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत बहुत, देखिए देख रहे हैं हाइट वाइट एकदम फिट, देश के सेवक का जुनून रहा होगा आपके अंदर, और बहुत सारी दौड़ और बहुत सारे एग्जाम्स आपने क्रैक किए होंगे। यस सर, एग्जाम दिए हैं सर, और भी फॉर्म फिलअप करते हैं सर, करते हैं। जी जी सर, आज आप पहली बार मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में आए होंगे सर, आज आपको कैसा लगा सुनकर के, जान करके? हमको सर बहुत अच्छा लगा, अभय सर से बहुत प्रभावित हुए हम सर। जी सर, और हमको अच्छा भी लगा, हम सोचे कि हम भी अपने तरफ, हमारा घर सर आजमगढ़ है। आजमगढ़ है जी सर, अभय सर हमारे मित्र भी लगते हैं। जी,
तो सर आज तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से एक मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार लाखों रुपए नहीं सोच पाता है आज वो कमा रहा है। आपको लगता है कि जो काम आप जहां आप हैं वहां तो ठीक ही है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप बड़ा कर सकते हैं? यस सर, हम कर सकते हैं। अभय सर बाइक अचीव किए हैं सर, जी जी हमारा भी फोकस है कि हम भी बाइक अचीव करें। बिल्कुल करेंगे सर। सर के तालियां बजा दीजिए। पहली बार आए हैं और सर आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? वैसे सर हमारा क्वालिफिकेशन बीकॉम है ग्रेजुएशन में। जी जी सर। और आपने कई सारे फॉर्म भरे हैं, फिजिकल और रिटेन, सारे एग्जाम्स आपने दिए? जी सर, हम एग्जाम भी दिए हैं, क्रैक नहीं हुआ सर, और भी फॉर्म फिर प्रयास जारी रहता है सर, फिर भी हमको उससे अलग हट के कुछ अपना अलग मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए सर। और सर अभय सर से हम प्रभावित भी हुए हैं सर जी, हमको अच्छा भी लगा सर आज मीटिंग में आके हमको। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं एक गुरूर में चूर हैं कि यार मैं इतनी अच्छी खासी पर्सनालिटी हूँ, तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा करूँगा। अच्छा, कभी आपको इसके पहले लग रहा था ना कि ये फंसने फंसाने का धंधा ठीक नहीं है? यस सर, कंपनियां तो बहुत हैं सर जी, हम नाम भी मतलब सुने हुए हैं, लेकिन अभय सर जो अचीव किए हैं जी उससे हमको लगा कि हम भी कर सकते हैं सर। अगर 1.5 महीने के अंदर लाएं तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने लगेगा लेकिन अचीव कर लेंगे। जी सर, क्या सर अचीव करेंगे सर, अगर ये जी जान से आपके साथ लगें कितने महीने के अंदर सर बाइक और अच्छा खासा पैसा अचीव करेंगे? सर मात्र 90 दिन। 90 दिन? जी सर। सर आप 90 दिन देने को तैयार हैं? यस सर। यहाँ पे कितने लोग हैं जो 90 दिन अभय सर के साथ देने को तैयार हैं? भाई पैसा किसी को कमाना नहीं है क्या? कमाएंगे? सर आपके साथ हैं, सर को आप 90 दिन समय दीजिए, सर के साथ इनको आ जाइए सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? अतुल कुमार। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? एमए आपने किया है। अभी आप क्या करते हैं सर? पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। वहाँ जो काम कर रहे हैं आप करिए, उस काम को रोका नहीं जा रहा, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर उससे बेहतर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मिले, क्योंकि देखिए सर हमारे आपके पिताजी को तो जो करना था वो कर चुके हैं, रह गए हम और आप, और आपको पता है एक घर को रोशन करने के लिए एक चिराग को जलना होगा। जी। आज आप 8-10 घंटा कहीं दे रहे हैं, डेली अगर कितने घंटे दे दें सर, 90 दिन की आपने जो बातचीत करी है, कितने दिन में जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा सर? यस सर, ये हमारे साथ में ऑलरेडी 2-3 घंटा समय देते हैं, मैं इनको जल्द ही जैसे मैं सर बाइक अचीवमेंट किया हूँ, जैसे मैं सर जो अच्छा इनकम कर रहा हूँ, मैं भी यही इनको पूरा फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी जल्द से जल्द अचीवमेंट करेंगे और अच्छा इनकम उठाएंगे। सर आप करेंगे ना, क्योंकि आप नए क्या वेल लिटरेट हैं सर, आप आज आपसे समाज बहुत कुछ सीखने वाली, अगर आप सब ये युवा शक्तियाँ मिल गई एक साथ ना, तो अब्बोपुर नहीं पूरे मऊ की धरती को आप हिला के रख देंगे। आप आज नौजवानों को कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले नौजवानों को यही कहना चाहूँगा, बेरोजगारी सबसे पहले हमारे देश में हो गई है जी, सरकारें भर्तियां कम कर दी हैं जी, तो ये पार्ट टाइम है जी, तो इसके लिए सर 2-3 घंटा समय निकाल कर के अपने पढ़ाई भी करें नवयुवक जो जी, बच्चे जी, हैं जी, जी, और ये काम भी करें और तो समय भी दें और स्वस्थ रहेंगे और इनकम भी आएगा। क्या बात है, बात तो सर को समझ में आ गई। साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर, आप भी आ जाइए, आप आइए इधर सर। जी सर बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश पाल है। शरीर तो बड़ी हट्टी कट्टी है, मेरे ख्याल से जरूर कुछ करते होंगे कहीं बाहर। सर बहुत कुछ किया गया सर, बहुत कुछ किए हैं जी सर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। अब यहाँ पे जी सर, यहाँ पे यहाँ किया जा सकता है बड़ा? जी किया सर, होगा बड़ा जी सर। क्या संकल्प है, कितने समय में आप बड़ा करने वाले हैं यहाँ से? सर कम से कम 5-6 महीने में। 5-6 महीने में बड़ा कर लेंगे जी, बिल्कुल सर। फिर मुझे आप बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे सर। आप हाँ सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं पढ़ाई है बीए किया हूँ। बीए किए हैं आप? जी सर जी। और इसके पहले हम भर्ती देखते थे 2005-11 तक, हाँ। कम से कम 5-6 में दौड़ निकाला आर्मी का जी, और मैं हाइट में छपा और कलर विजन से जी, और उसके बाद फिर और भर्ती बहुत देखी मैं छत्तीसगढ़ में जी, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एकदम सोच पूरा ऐसी बन गया नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या बात है सर, कांग्रेचुलेशन सर, मोस्ट वेलकम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने के लिए। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रामनिवास यादव है जी, मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? सर मैं अभी बीए कर रहा हूँ। बीए करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? सर अभी जो है कि हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग को। लोग बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है जी, मगर मैं जानता हूँ कि अगर फंसने फंसाने से मेरी जिंदगी बन जा रही है जी, मैं फंसने के लिए तैयार भी हूँ। फंसने के लिए आप तैयार हैं जी सर, और आप फंस चुके हैं। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है। देख रहे हैं ऐसे नौजवान भाई आज
नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को बना रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के अब्बोपुर में, और अब्बोपुर का ये पूरा माहौल आप देख रहे हैं। भाई साहब लोग 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, मैं अभी पहुँचा हूँ तकरीबन यहाँ पे ढाई बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैं सबसे विदा लूँगा, सबको विदा करूँगा यहाँ से, कि आप लोग यहाँ समय दिए, बेशकीमती अपना समय दिए, अपने जीवन का एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? सर मैं यही लोगों का पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे सर हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बुरा भला बोलते हैं। हाँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे आज हम लोग स्टार्टअप किए, इसके बारे में जानकारी किए, मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि पहले इसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद में स्टार्टअप करें। यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। यस सर, अगर आपकी जिंदगी बदली, भैया की जिंदगी बदली है, तो बाकी लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है। सर बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो आज आप सर कुछ कहना चाहते हैं? सर अभी सर देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि सर इधर आ जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग आज या मर्जी से करें या कल मजबूरी से, जो बोलते हैं ना कि 40 साल पहले पकड़ के ले जाते सरकारी जॉब में नहीं जाएंगे, तो आने वाले टाइम पर कंडीशन यही है। मतलब क्या है कि गांव घर के भी सोच बदलने में टाइम लगेगा। इतना जल्दी गांव घर में बदलने वाले लोग नहीं है, इनकी सोच वही है कि ठीक है शाम तक 500 कमाओ, 1000 रुपये कमाओ, घर परिवार चल रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा थिंकिंग सर, उसमें टाइम लगेगा, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और ऐसे घर घर नारा बजेगा, नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, चलेंगे घर घर ना लोग? यस सर। दरवाजा खड़का कोई धक्का देके मना करके भगा देगा तो फिर भी जाएंगे, कोई गरिया के भगाएगा तो फिर भी जाएंगे, मार के भगाएगा, जेल पहुंचाएगी। मिशन है हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब घर घर जाएंगे ही जाएंगे। यस सर, क्या बात है भैया, क्योंकि हम बीमारी और बेरोजगारी हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं। यस सर, और कोई दूसरा स्वार्थ तो नहीं है ना? नो सर, एक का डबल करने तो नहीं निकले हैं? नो सर, लोगों को फंसाने तो नहीं निकले हैं? नो सर, जिंदगी तबाह तो नहीं करेंगे? नो सर, अगर किसी की जिंदगी तबाह हो गई तो? नहीं सर, यहाँ पे जिंदगी बनता है, तबाह नहीं होता है। नो सर, यहाँ पे लोगों की सोच गलत है, बस। यस सर, लोगों की सोच सही करनी है सर। जो है। आज मैं बताना चाहूंगा कि सर आज जो अपने मर्जी से नहीं आएगा, एक दिन में मजबूरी में आएगा, मजबूरी में। जब इंसान मजबूरी में कोई काम करता है तो उसे बहुत तकलीफ होता है। अगर आप पीछे घुमाएंगे तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, पीछे कैमरा करिए, लाइए कैमरा इधर करिए, पीछे कैमरा देखिए, यहाँ कुछ दादा लोग बैठे हैं, इनसे पूछूंगा, नौकरी आप लोग के जमाने में फ्री में मिलती थी, पैसा की मिलता था कि पढ़ाई करना पड़ता था? क्या दादाजी, नौकरी आपको कैसे मिलती थी पहले के समय? पहले तो फ्री में मिले, क्यों जेल बंद करे, भागिया में। आज तो पैसों देने पर ना मिल रहे, पैसा देने भी नहीं मिल रहा। आपको नौकरी का ऑफर मिला था? कुछ नहीं। आपको नौकरी पहले कोई बुलाया था नौकरी के लिए? नहीं। आपको कोई तब नहीं बुलाया था, पूछा नहीं था? नहीं। लेकिन पहले नौकरी लिखा है या नहीं, कहाँ पूछ? नहीं नहीं, पहले तो पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं थी ना? नहीं। आपके जमाने में या उनके पहले पढ़ाई की जरूरत थी? थोड़ा बहुत। दादा आपको भी जानकारी है, नौकरी फ्री मिलती थी? हाँ, कोई पैसा नहीं, पैसा तो ना लगा साहब, लेकिन हमारे चक्कर में पड़ ना करे। आप चक्कर नहीं पड़े ना, मुझे क्या ये सब फालतू चीजें। हाँ, काल गाल के अपन कमाएल जाए, भट्टा मोटी पर माटी खंड के पैसा मिलू, कहिया ले ता कर। लेकिन आज नौकरी की क्या हालत है? अरे आज तक घूसो देने पर ना मिल रहा था, घूसो देने में नहीं मिल रहा ना? ना देख रहे हैं भैया, ये नौकरी की हालत है। ये दादाजी लोग, मैं कहता हूँ ना, बाप दादा यही बात बोलते हैं, बेटवा जब नौकरी हमको मिल रही थी तो हम बजरा खेते भाग गए। देखिए आज ये दादाजी हैं। दादाजी आपको भी नौकरी का कभी मिला ऑफर? जी बाबू, बहुत बार मिला, लेकिन हम लोग कर नहीं कर नहीं ना। हाँ। आज बच्चों को कहते हैं ना कि बेटवा हमको नौकरी मिल रही थी, हम नहीं किए, वह भी कहने का चांस नहीं मिलता, नहीं मिलता था, वह भी बच्चों को नहीं कह पाते हैं कि नौकरी का ऑफर मिला, हम नहीं कर पाए। अच्छा, ये बात क्यों नहीं कहते हैं? अरे वक्त निकल जाने के बाद बच्चों के कहोगे तो बच्चों की दर्द होगी कि मेरा बाप मूर्ख था, कमार था। अरे बाप रे, ये बोल देंगे? अरे भाई जरूर बच्चे बोल देंगे। आज नौकरी की क्या हालत है, लोग पैसा देने भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आज नौकरी की समस्या तो है ना, इधर उधर के लोग मार्केट में ठोकर खा रहे हैं, पैसा देने भी नहीं मिल रहा। इतने शिक्षित वर्ग हो करके आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हाँ। लाखों कुछ नहीं तो मेरे यूपी के अंदर कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे जो है तो बीएड बीटीसी कर कर। हाँ। के बच्चे बैठे हैं बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन आपके समय में लोग पकड़ ले जा रहे थे नौकरी के लिए। हाँ, आर्मी में तो जबरदस्ती से भर्ती करते थे। हाँ।
चलिए सर के भी जमाने की बात कर लो, सर थोड़ा सा उनसे छोटे हैं। सर आप ये बताइए, आपके समय में नौकरी की क्या हाल थी? अरे हम तो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन दिमाग में सोचे कि बच्चों को पढ़ाएंगे जी, तो बच्चों को पढ़ाए, आगरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बना दिए जी, और PCS की इस समय तैयारी कर रहा है जी, एक नंबर डेढ़ नंबर से कट जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। आज लड़का आया हुआ है और प्राइवेट कंपनी में जी अप्लाई किया है जी, और सरकारी भी जॉब करता है तैयारी जी। आज आपको लग नहीं रहा कि नौकरी बहुत कठिन हो गई है मिलना? कठिन भगवान को मिलना एक बार मिल सकते हैं, आसान है नहीं, नौकरी मिलना बड़ा कठिन है। नौकरी मिलना कठिन है, क्या बात है। देख रहे भैया, मैंने आपको क्या कहा, मेरा ये सोचना था कि एक दिन आपको ग्राउंड लेवल पे उतर के दिखाऊंगा कि बाप दादा क्या कहते हैं। आज ये दादाजी ने बहुत पते की बात बताई है कि आज मैं वो स्टोरी क्यों अपने बच्चों से नहीं कहता पता है, क्योंकि वो गुस्साएंगे, मन में उनके उल्टे सीधे सवाल जवाब आएंगे। और सच्चाई है, आज के समय, अब समय लेकिन बदल गया है। पहले के बच्चे अपने बाप दादा को सिर्फ मन में गालियां देके ख़त्म कर देते कि बताइए, इस मौके को इन्होंने गंवा दिया। आज अगर हम सब इस मौके को गंवा देंगे तो हमारे आपके बच्चे गाली नहीं देंगे, दौड़ा के मारेंगे, क्या सर? सही बात है ना? हर वह यह बात तो सर अपने संस्कार की होती है, संस्कार की होती है जो जैसे परिवार, लेकिन जो मौका मिलता है मौके को गंवाना चाहिए नहीं गंवाना चाहिए, आज आप यही सीख देंगे ना? हाँ, मौका को गंवा दिए तो फिर आदमी पछताएगा। जैसे आपने मौका गंवा दिया, उसके बाद आप क्या किए? घर खेती में काम करता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन जो उस समय नौकरी किया था उसका क्या हाल था? अरे उन समय की हाल मत पूछिए, वह उस समय 150 रुपया महीना पाते थे तब भी आजाद थे। लेकिन आज 1.5 लाख रुपए में भी हालत खराब है। हाँ, आज 1.5 लाख रुपए में हालत खराब है। तो भैया मऊ में है, उत्तर प्रदेश जिला के मऊ में है, यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, इनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये लोग पूरे भारत में बीमारी और बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। आप सब अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे रहा हूँ, जाएँ कॉल करें और बातचीत करें। आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ के अब्बोपुर में हूँ, और यही मेरी बातचीत बहुत सारे लोगों से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।